आज हम अपने 11th क्लास के मैथ का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है सेट। सेट वर्ड हमारे लाइफ में वेल नोन वर्ड है, मतलब जैसे कि हम कई बार सुन चुके हैं, अगर हम बुक लेने जाते हैं आप प्रीवियस क्लास में या अभी भी गए होंगे तो 9th क्लास की बुक का सेट दे दो, 11th क्लास की बुक का सेट दे दो। सेट का मतलब क्या है? सेट का मतलब ये था कि वो बहुत सारी बुक्स दे देते होंगे आपको कि ले जाओ ले जाओ ले जाओ, ऐसा कुछ नहीं है ना। आपको पता है कि वो एक लिमिटेड नंबर्स होते हैं, ठीक है, लिमिटेड नंबर से होते हैं। जैसे आप साइंस ले रहे तो उनके पास एक पूरा सेट होता है कि हाँ ये 11th क्लास के साइंस का बच्चा है तो उसको ये बुक्स की रिक्वायरमेंट होगी, ये आर्ट्स का ये कॉमर्स का तो उसको ये बुक्स रिक्वायरमेंट होगी। तो वहां से भी अगर मैं सेट की डेफिनेशन उठाऊं तो सेट आपकी बुक में भी लिखा है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। क्या है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, यानी सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अब हम इस ऑब्जेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं, ऑब्जेक्ट है क्या। यहां पे हम नंबर्स भी यूज कर सकते हैं, ओके, सिंबल्स भी, सिंबल्स, और नेक्स्ट हम अल्फाबेट्स भी यूज करते हैं, अल्फाबेट्स भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीजें होती हैं इसका यूज कर सकते हैं। बट अगेन आप इसकी डेफिनेशन को याद रखना, सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, यानी आपके पास हर एक चीज प्रॉपर तरीके से हो, मतलब डिफाइंड हो कि हाँ यार ये चीज है। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं, मैं ए को सेट करूंगा। अब मैं इसमें क्या क्या लिख सकता हूं? ए भी लिख सकता हूं, बी भी लिख सकता हूं, वन भी लिख सकता हूं, टू भी लिख सकता हूं, अल्फा भी लिख सकता हूं और बीटा भी लिख सकता हूं। अब इनको कहते क्या, यू नो, इनको हम कहते हैं एलिमेंट्स, यानी कि सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अभी ऑब्जेक्ट्स में क्या आ रहे हैं, जिनको मैं एलिमेंट्स बता रहा हूं अभी, ऑब्जेक्ट्स मारे नंबर्स, एबीसीडी, अल्फाबेट्स, सिंबल्स, जैसे मैंने यहां पर लिखा, और बहुत सारी चीजें आ सकती है। अब जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते रहेंगे ना उसके बाद हमें समझ में आता रहेगा। अब सेट की एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, डज नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मैं अगर फाइव क्रिकेटर्स की बात करूं, फाइव क्रिकेटर्स की बात करूं, फाइव क्रिकेटर्स की, मेरे हिसाब से फाइव क्रिकेटर्स कोई और होंगे, आपके हिसाब से फाइव क्रिकेटर्स कोई और होंगे। इसका मतलब है समझो जैसे मेरे लिए मेरे फाइव क्रिकेटर्स कुछ और हैं, सचिन तेंदुलकर जो भी हैं, और आपके हिसाब से कुछ और होगा, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रही है, पर्सन टू पर्सन वैरी कर रहा है। वैरी का मतलब होता है चेंज होना, चेंज, वैरी करना, रिजल्ट वैरी करता है, सब कुछ वैरी करता है, तो वैरी का मतलब होता है चेंज होना। तो एक बात का ध्यान है, डज नॉट वैरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, आपके बुक में फर्स्ट क्वेश्चन का एक पार्ट है उसमें भी ऐसे कुछ वैरी रिलेटेड है जो पर्सन टू पर्सन होगा, तो ये भी सेट में नहीं आते। क्यों? वो चीज जो पर्सन टू पर्सन वैरी करे वो नहीं आता। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं भाई आपके, इसको मैं क्रिकेटर ना कह के मैं फाइव स्वीट्स कहूं, तो भाई आप अपने दो फेवरेट स्वीट्स बताओ, तो हो सकता है आपका कुछ और होगा, मेरा कुछ और, आपके फ्रेंड का कुछ और होगा, किसी और टीचर का, हमारे पास जो उनका कुछ और होगा। तो ये क्या है, ये पर्सन टू पर्सन वैरी कर रहा है, तो हम इसके सेट नहीं बना सकते।